नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर एमसीक्यू से रिलेटेड ये अगला वीडियो है और ये वीडियो दोस्तों ये जो है सॉफ्टवेयर से संबंधित एमसीक्यू है। तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, और एक एक करके देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न व्यापम 2016 का प्रश्न है। बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है, पहला डेडलॉक दूर करने के लिए, दूसरा डेडलॉक पहचान के लिए, तीसरा डेडलॉक रोकने के लिए, चौथा डेडलॉक हल करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये डेडलॉक होता क्या है? डेडलॉक देखिए, कंप्यूटर में जो है जो ये डेडलॉक है, ये कहा जाए तो जब दो प्रोसेस दो या दो से अधिक भी बोल सकते, दो प्रोसेस जब किसी एक रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं और दोनों के दोनों इस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाते, तो इस कंडीशन में जो स्थिति आती है उसे कहा जाता है डेडलॉक। जैसे आप देखे होंगे किसी चौक चौराहे पर जब चारों तरफ से गाड़ियां आती हैं, ठीक है, चारों तरफ से गाड़ियां आती हैं तो कोई भी गाड़ी आगे या पीछे नहीं हो सकती, पूरा रोड जाम हो जाता है। इसी स्थिति को कहा जाता है डेडलॉक। कहने का मतलब दो या दो से अधिक प्रोसेस किसी एक कंपोनेंट का या किसी एक रिसोर्सेस का जो एक्सेस करना चाहते हैं और दोनों के दोनों उस रिसोर्सेस को एक्सेस नहीं कर पाते, तब इसी कंडीशन को कहा जाता है डेडलॉक। तो यहाँ पर डेडलॉक को रोकने के लिए, ठीक है, बैंकर एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका प्रयोग किया जाता है? बैंकर एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। और ये जो एल्गोरिथम होता है ये किसी भी समस्या को सुलझाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा सी, डेडलॉक को रोकने के लिए बैंकर एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर को एप्पल द्वारा बनाया गया है, एजी 2021 का प्रश्न। तो देखिए, पहला है आपका, अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट है, ये तो माइक्रोसॉफ्ट ही है। टेली अकाउंटिंग संबंधी माइक्रोसॉफ्ट लिखा है तो ये दोनों तो कट हो गए। अब दो बचे, तो यहाँ पर iOS, iOS का फुल फॉर्म होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो iOS है ये स्पेशली एप्पल मोबाइल के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। यही अगर एप्पल के कंप्यूटर के लिए बोला जाए, एप्पल कंप्यूटर के लिए, तो एप्पल कंप्यूटर के लिए मैक ओएस है, ठीक है। ये स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम है किसके लिए? एप्पल कंप्यूटर के लिए। लेकिन एप्पल मोबाइल के लिए क्या है? iOS, ठीक है। तो ये जो आईफोन, इसका फुल फॉर्म है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये एप्पल के लिए जो बनाया गया क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दूसरा का आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न, गूगल के सर्च इंजन द्वारा किस एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है, CSPSCL 2019 का प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए पेज रैंक नामक एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? गूगल सर्च इंजन के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है? पहला है फ्रीवेयर, दूसरा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तीसरा है शेयरवेयर, चौथा है मैक्रोस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों फ्रीवेयर, इसका आंसर होगा दोस्तों फ्रीवेयर, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर एक है आपका फ्रीवेयर, एक है आपका शेयरवेयर, और एक है आपका ओपन
सोर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। फ्रीवेयर कहने का मतलब ये निशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन इसमें जो इसको बनाने वाले जो भी सॉफ्टवेयर वाले रहते हैं तो इसके निर्माता को अथॉरिटी रहती है, ठीक। शेयरवेयर जो कुछ समय के लिए निशुल्क जो है उपलब्ध कराए जाते हैं, और ओपन सोर्स के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, इसमें सोर्स कोड को निशुल्क जो है सभी को उपलब्ध कराया जाता है, कोई भी इसमें अपडेट कर सकता है, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए सॉफ्टवेयर के तीन प्रकार होते हैं, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम को चलाने के लिए जो उपयोगी रहते हैं उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार जिन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो सिस्टम की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए ठीक है इंस्टॉल किए जाते हैं उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है बोल रहा है, ठीक है। अगला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और एक है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को भी आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ले सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है, लेकिन सही मायने में तीनों अलग अलग है। लेकिन अब प्रश्न के आधार पर अगर आप देखें तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, AG3 2021 का प्रश्न। तो देखिए ओपन ऑफिस नाम ही में ओपन लिखा हुआ है, ये क्या है, एक ओपन सोर्स ठीक है सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ जो माइक्रोसॉफ्ट का है, कोरल ड्रा और ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये तीनों क्या है दोस्तों, ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, कमर्शियल सॉफ्टवेयर। इसको अगर आपको ठीक एक्सेस करना है तो इसको आपको पहले परचेस करना पड़ता है, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखें तो जितने भी ये सॉफ्टवेयर हम जो यूज़ करते हैं ये सभी पायरेटेड होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, ठीक है, याद रखेगा। तो छठवां का आंसर होगा ए, ओपन ऑफिस। अगला प्रश्न, जब किसी बंद कंप्यूटर को स्टार्ट बटन दबाकर चालू किया जाता है तब उसे कहते हैं। तो देखिए पूरी तरीके से बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है, और पहले से ही स्टार्ट कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करना इसे कहा जाता है वार्म बूटिंग, और इसी के तहत हम रीसेट या रीस्टार्ट का बटन दबाते हैं, जबकि कोल्ड बूटिंग में पावर ऑफ का बटन दबाते हैं या शट डाउन का बटन दबाते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग खाली स्थान में किया जाता है, AG 2021 का प्रश्न। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष उपकरण के लिए बनाए जाते हैं, जैसे आप घर में टीवी यूज़ करते हैं एंड्रॉयड टीवी, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जैसे आप घर में फ्रिज यूज़ करते हैं, AC यूज़ करते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर अलग से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो इसी प्रकार के सॉफ्टवेयर को एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो सिर्फ उसी मशीन में वह काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, मोबाइल फ़ोन। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग मोबाइल फ़ोन में किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
सोर्स कोड के साथ खालिस्तान एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका कोई भी निरीक्षण, संशोधन या विस्तार कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध होता है। एजी 2021 का प्रश्न। तो ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। पहली बात याद रखिएगा, ये निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका सोर्स कोड को बदला जा सकता है, सोर्स कोड को बदला जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो फर्मवेयर है, फर्मवेयर कहने का मतलब होता है हार्डवेयर के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, इसे कहा जाता है फर्मवेयर। जैसे रोम के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया या रैम के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया, तो इन्हें क्या कहा जाता है? फर्मवेयर कहा जाता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली। फ्रीवेयर, ये निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं इसमें भी सोर्स कोड को, लेकिन इसमें जो सोर्स कोड है, उस जो सॉफ्टवेयर है, उसका नियंत्रण निर्माता के हाथों होता है, कंपनी के हाथों होता है। शेयरवेयर कहने का मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए, आप देखे होंगे कई सॉफ्टवेयर कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? शेयरवेयर कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको मॉडिफाई, अपडेट सब किया जा सकता है, तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए अगला, कंपाइलर निम्नलिखित में से किस एरर को नहीं पहचान सकता? पहला लॉजिकल एरर, दूसरा सिंटेक्स एरर, तीसरा टेक्स्टिंग एरर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें सिंटेक्स एरर कहने का मतलब होता है कई प्री डिफाइन कीवर्ड्स रहते हैं जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, जब कोई कोडिंग करते हैं तो बहुत से प्री डिफाइन शब्द होते हैं जिन शब्दों का डेफिनेशन पहले से ही कंप्यूटर में लोड होता है, तो इनको कंप्यूटर में पहले से लोड होता है। जैसे इंटीजर के लिए INT पहले से लोड है, इंटीजर जो वैल्यू है इसके लिए एक कीवर्ड है INT, ये पहले से लोड है लाइब्रेरी में, ठीक है। तो अगर इसमें कोई मिस्टेक करेंगे तो इसको आसानी से पहचान लेगा कंपाइलर। टेक्स्ट में कोई अगर, ठीक है, एरर होता है तो इसको भी पहचान लेता है कंपाइलर, लेकिन अगर कोई लॉजिकल एरर है इसको कंपाइलर नहीं पहचान पाएगा। लॉजिकल एरर कहने का मतलब कहीं पर इफ़ लगा दिए, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, और यहाँ पर हम ए की वैल्यू, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन 10 कर दिए, और ए की वैल्यू अगर यहाँ पर 9 कर दिए, तो इस प्रकार के एरर को कहते हैं लॉजिकल एरर, ठीक है। तो इनको जल्दी से कंपाइलर नहीं फाइंड आउट कर पाता, तो इस प्रकार से 10वां का आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न, MS-DOS खालिस्तान में विकसित है, व्यापम 2018 का प्रश्न। तो 1981 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया, और माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है, आपका बिल गेट्स का नाम आता है, बिल गेट्स और पॉल एलन, इन दोनों का नाम आता है। ये दोनों क्या थे? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर थे, याद रखिएगा, ठीक है। 1981 में MS-DOS विकसित किया गया था। अगला है, सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? व्यापम 2018 का प्रश्न पहली बार आया था, ठीक है, अब और भी आ सकता है, तो इसको नाम को बस आपको याद रखना है, जॉन डब्ल्यू टुके ने सबसे पहली बार सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया था। और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं दोस्तों? तो सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड, ठीक है, सॉफ्टवेयर, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है किसी भी, ठीक है, प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जॉन डब्ल्यू टूके। अगला प्रश्न, कौन सा कंप्यूटर एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एनिमेशन के थ्रू साउंड डाला जाता है, उसको मूव किया जाता है, ठीक, मूवमेंट प्रोवाइड किया जाता है, और ये सब पिक्चर का कलेक्शन होता है दोस्तों। एनिमेशन में इन्हीं पिक्चरों को फ्रेम कहा जाता है, और इसमें स्पीड बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो एनिमेशन से संबंधित सॉफ्टवेयर 2017 का प्रश्न है। फ्लैश है, माया है, फ्लिपबुक है, पाइथन नहीं है। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, एनिमेशन से संबंधित नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है? ठीक है, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने बनाया, रिम ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, सिम नहीं है, याद रखिएगा, ये अपन 2017 का प्रश्न है। ठीक है, तो सिम होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है, तो जितने भी फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर के, इनको कहा जाता है दोस्तों हार्डवेयर। क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। ठीक है, इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इन्हीं हार्डवेयर के लिए जो प्रोग्रामिंग किया जाता है, ठीक है, जिनसे इन हार्डवेयर को यूज़ किया जाता है, उसी को कहा जाता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर सही मायने में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर अधूरा है, और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर अधूरा है। ठीक है, याद रखिएगा, तो आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? पहला डिवाइस सॉफ्टवेयर, दूसरा यूजर सॉफ्टवेयर, तीसरा ड्राइवर सॉफ्टवेयर, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। कि सॉफ्टवेयर के प्रकार में मैंने बताया तीन प्रकार होता है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये तीन प्रकार होते हैं, ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर वही सेम है, और यूजर सॉफ्टवेयर किसी प्रकार का नहीं होता। ठीक है, तो याद रखें कि सॉफ्टवेयर के जो है ये प्रकार हैं, ये नहीं। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? पहला बायोस, दूसरा यूनिक्स, लाइनेक्स। देखिए बायोस सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। ठीक, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसी बायोस के सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोडिंग की जाए रहती है, और उस कोडिंग में क्या बताया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल है ये हार्ड डिस्क से कहाँ लोड करना है, रैम में लोड करना है। तो इसी से संबंधित जो कोडिंग है ये बायोस में की जाती है, इसी बायोस कहते हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। यूनिक्स लाइनेक्स ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। मैं MS विंडोज और मैक OS ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS पेंट ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है दोस्तों? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न, खालिस्तान कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया है। तो कोई भी कमांड जो हम टाइप करते हैं, कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने के बाद इसमें इसको कंपाइल करने के लिए, इसमें जो एरर है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करना या रन करना, इसी को कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में। इसके लिए अधिकतर जो है F5 का बटन दबाया जाता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है एग्जीक्यूटिंग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न लिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों डिस्क फाइल कंप्रेशन
किसका उपयोग किया जाता है? फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन में क्या किया जाता है, बहुत सारे फाइल को एक जगह स्टोर करके उसको कंप्रेस करके रखा जाता है। और इसका उपयोग क्या है दोस्तों, इससे मेमोरी का जो यूटिलाइजेशन है ये बहुत कम लगता है, कम से कम मेमोरी इसमें यूज़ की जाती है, स्टोरेज बहुत कम यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है फाइल कंप्रेशन, ठीक है। चलिए लास्ट है, इनमें से किसे सी भाषा का जनक कहा जाता है? तो सी भाषा जिसे 1972 में बनाया गया था, ठीक है, इसके जनक थे डेनिस रिची। इसे सी प्रोग्रामिंग भाषा का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। और कालांतर 1979 में C++ बनाया गया था बाजार ने स्ट्रप के द्वारा, ठीक है। रास्मस लर्डफ इसके द्वारा जो है PHP ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया था। और ब्लेज पास्कल के द्वारा आप लोग को पता होगा पहला कैलकुलेटिंग मशीन कैलकुलेटर ये बनाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 20 प्रश्न अलग अलग, ठीक है, तरीके से पूछे गए हैं, सभी सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं। एक बार देखिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, अभी समय है, आप बार बार रिवाइज कीजिए प्रश्नों को, इससे आपके गलती के गुंजाइश कम होंगे, ठीक है। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।